अनु ने मांगी संपत्ति। मालिनी के खिलाफ आदित्य का बड़ा कदम। आदित्य, आर्यन और इमली पगडंडिया से दिल्ली लौटते हैं, जहां अनु ने त्रिपाठियों पर मालिनी का संपत्ति में हिस्सा मांगने के लिए केस करने की उचित तैयारी की। यहां जब आदित्य घर लौटता है तो यह खबर उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका बनकर आती है। त्रिपाठी आदित्य, आर्यन और इमली के साथ एक भावनात्मक समय साझा करते हैं, लेकिन जब मालिनी प्रवेश करती है तो परिवार उसके पैर रोक देते हैं। और तभी अपर्णा आदित्य को सब कुछ बताती है कि कैसे इस कठिन समय में मालिनी ने उन्हें छोड़ दिया, जबकि इमली ने उसके लिए लड़ाई लड़ी। स्थिति को बदतर बनाते हुए, जब अनु अपने वकील को लाती है और जब संपत्ति की मांग का खुलासा होता है, तो यह केवल परिवार को नाराज करता है। आदित्य ने लिया चौंकाने वाला फैसला। मालिनी स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन सब बेकार हो जाता है। आदित्य ने अब मालिनी से दूर रहने और अपनी माँ अनु के साथ रहने का फैसला किया है। क्या आदित्य मालिनी से नाता तोड़ेंगे?